हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए द होम मिनिस्टर को और बेल का बटन भी दबाइए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पहले की नाश्ता रेसिपीज को देखकर व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की कि मैं कोई इजी सी नाश्ता रेसिपी बताऊं जो आप कभी भी शाम की चाय के साथ या फिर बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे आज मैं ऐसी ही एक नाश्ता रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। मैं यहाँ पर 4 उबले हुए आलू से इसे बना रही हूँ। मसालों में हमें चाहिए हल्दी पाउडर, तो ये मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है। नमक ले लीजिए, तो स्वाद के अनुसार नमक चाहिए हमें। 2 से 3 हम लहसुन की कली यूज करेंगे, तो ये मैंने 3 छोटी लहसुन की कली ले ली है। हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, आप चाहें तो इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। और मैं इसमें मिक्स्ड हर्ब यूज करने वाली हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे मिला लीजिए। हरी धनिया चाहिए, तो ये मैंने फ्रेश धनिया चॉप कर ली है। और हमारा मेन इंग्रेडिएंट है चावल आटा, तो हमें इसे बाइंड करने के लिए चावल आटे की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे एकदम बारीक करना है, इसलिए मैं ग्रेट करके यूज कर रही हूँ ताकि कोई लम्स ना रहे। आप चाहें तो इसे अच्छे से मैश भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे मोटे दाने वाली ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और ये देखिए, सारे आलूओं को ग्रेट कर हमने एकदम बारीक फॉर्म में कर लिया है। अब हम लहसुन को भी ग्रेट करेंगे, तो सेम ग्रेटर से मैं लहसुनों को भी ग्रेट कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ा सा लहसुन डालने से इसमें फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, तो हमें बहुत ज्यादा लहसुन की जरूरत नहीं है। सिर्फ हल्का सा स्वाद देने के लिए हम इसमें 1 से 2 कली ही ग्रेट करेंगे। तो ये दोनों चीज ग्रेट कर ली है। अब हम इसमें कुछ मसाले भी मिलाएंगे, तो अच्छे से इसे पहले मिक्स कर लीजिए ताकि लहसुन का जो फ्लेवर है वो आलूओं में अच्छे से आ जाए। और अब इसमें मिलाते हैं मसाले। तो पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, तो ये मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। 1 से 2 हरी मिर्च एकदम बारीक काट के डाल लीजिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च पाउडर या चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। हरा धनिया डालेंगे, तो ये चॉप किया हुआ हरा धनिया। और फिर नमक भी मिला लेंगे, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल लीजिए। मैं इसमें मिक्स्ड हर्ब भी डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब स्प्रिंकल करेंगे। और थोड़ा सा इसमें मैं चाट मसाला भी मिला रही हूँ, तो थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर लेंगे। तो ये हमारे मसाले हो गए। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे चावल का आटा, तो करीबन 2-3 टेबलस्पून आप इसमें चावल का आटा डाल लीजिए। और अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है, तो हाथों से इसे मिक्स करते हुए हम इसका आटा गूंथेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसमें और चावल आटा ऐड कर सकते हैं। अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल आटा और मिला लीजिए। तो ये देखिए, सारी चीजों को मैंने मसलते हुए गूंथ लिया है और ये एकदम बढ़िया सा डो तैयार हो गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर हम इसे ऑयल में कोट कर लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैंने इसे ऑयल से कोट कर लिया है। और ये हमारा डो बनकर तैयार है। अब हम इसके फिंगर्स बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। तो थोड़ा सा तेल लगा लेंगे हाथ में ताकि ये हाथों पे चिपके ना। और अब हम आटे में से छोटे छोटे गोले लेंगे और इसे रोल करते हुए इस तरह से फिंगर्स बना लेंगे। तो ये देखिए, हथेली पर इसे रोल करते जाइए और इस तरह का शेप दे दीजिए। बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है हमें, और एकदम पतले पतले फिंगर्स भी नहीं बनाना है। तो आप मीडियम साइज के फिंगर्स रेडी कर लीजिए। बस सेम तरीके से सारे आटे के फिंगर्स बनाना है हमें। तो ये देखिए, मीडियम साइज के फिंगर्स बना रही हूं मैं, और ये सारे फिंगर्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसे करना है फ्राई, तो तेल भी गर्म हो चुका है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, ज्यादा गर्म तेल में फ्राई नहीं करना है, वरना ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे लगेंगे। तो बस आप इसे मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए, मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ।
और पलटते हुए दोनों तरफ से इसे सुनहरा होने तक तल लीजिए। तो ये देखिए दोनों तरफ से पलटते हुए इसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है हमें। फिंगर्स अब अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। इसे ऑयल से अलग कर मैं एक पेपर नैपकिन पर रख रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो भी है वो निकल जाए। और इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए टोमेटो केचप और मेयोनीज के साथ। अंदर से एकदम सॉफ्ट और चटपटे रहते हैं और बाहर से कुरकुरे क्रिस्पी बनते हैं ये। घर में बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। और आपको अगर ये नाश्ता रेसिपी अच्छी लगी है तो इस नाश्ता रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिए दोस्तों। और पसंद आई है अगर रेसिपी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी बाकी की भी रेसिपीज को जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।